गाइस, गेम प्ले स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई छक्का बन गया है। अच्छा, ये नहीं बोलना था क्या? उसको टिकटॉकर बोलते हैं, सॉरी, इसको ये क्लिप काट देना, ठीक है भाई, काट देना क्लिप को। तो गाइस, तुम्हारा भाई टिकटॉकर बन चुका है और रील्स बना रहा है खूब इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप लोग को भी रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भैया, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल खतरनाक खतरनाक सी रील्स बना रहा है। अब बात करते जरा इस वाले गेम की। तो ये वाला गेम खेल रहा है तुम्हारा भाई रैंडम स्क्वाड के साथ में, और इस वाले गेम में आप लोग को इतने खतरनाक खतरनाक क्लचेस देखने को मिलेंगे जिसको कि देख के रैंडम में बिल्कुल कहेंगे इंप्रेसिव। और भैया आप लोग को तो मजा आएगा ही। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा भाई लैंड करता जोर जोर में, उतरती मेरे को अच्छी खासी गन मिल जाती है। इतने में भैया फर्स्ट नंबर को कोई डैमेज देता है, तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट नंबर से किसने हाथ लगाया। भैया तू मेरे साथ चल, बस उसका नाम बता दे, मेरे साथ चल ले तू, किसने हाथ लगाया और बंदे को बता दे कहाँ है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पीछे पीछे आता है और बस देखो फिर उसका क्या हाल करते जिसने फर्स्ट नंबर को टच किया था। आता हूँ ब्रो, आता हूँ। भाई इसी ने टच किया था क्या तुमको? देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल चमकती हुई पेटी बना डाली मैंने इसकी। भाई एक गेम ऑपरेटेबल है ब्रो, आपके पास मेरे पास M4 ग्लेशियर है लेकिन मैक नहीं है। अच्छा तो मैं एक काम बताऊं भाई, आप एक किडनी भेज दो राइट वाली, अभी अपग्रेड हो जाएगी, बिल्कुल मैक्स हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ करना मत, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इससे बोल रहा हूँ भैया, तुम बिल्कुल सीरियस मत ले लेना। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आया था, जोर जोर में बंदे बंदे नहीं आते, हम लोग यहाँ पे आते हैं। और एक हमारा टीममेट तो प्लेन में भी ऑफलाइन था और अभी भी ऑफलाइन है, और ये जिंदगी भर ऑफलाइन ही रहेगा। इसकी पेटी बना के चला जाएगा बोट, तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि ये दूर बहुत दूर उतरता है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करते हैं फिर निकलते, क्योंकि जोर जोर में तो कोई है नहीं। अब देखो जोर जोर से निकलने के बाद तुम्हारा भाई सीधा आ जाता है पोचिंग की तरफ में, लेकिन राइट में मेरा टीममेट मार्क लगाता है कि तब यार रिकॉइल टावर के इधर मेरे को एक बंदा दिखा, लेकिन पता नहीं यार इसको कहां से बंदा दिख गया, मेरे को तो वहां पे कोई दिख नहीं रहा है। तो चलो आओ साथ में चेक करके आते हैं जरा। पता नहीं बंदा था ओके ओके गाइस, फुटस्टेप आ चुकी है, बंदा है वहाँ पे, मेरे को फुटस्टेप आ गए। आप लोग को आया कि नहीं आया वो कमेंट करके बताना, वहाँ पर बंदा तो है वाना उसके अंदर। तो देखते जरा, भाई एक बंदे को प्रसाद मिला नहीं, पूरा खानदान आ गया भैया भीख मांगने। अब देखो इस टीम के मैंने दो बंदों की पेटी बना डाली है, बाकी के बंदे पीछे की तरफ हैं, लेकिन उससे पहले पेटी लूटते फिर रश करेंगे वहां भी। देवन का एमओ देना थोड़ा, मेरे पास तो एमओ नहीं है। तो चलो भैया फाइनली इसी के साथ तीसरा बंदा भी नॉक कर देता तुम्हारा भाई, और अब बच चुका है सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा। तो फोर्थ नंबर भैया जरा सही से कवर देना। अरे फोर्थ नंबर तो मैं ही हूँ, क्या खेल रहा हूँ मैं गेम यार। हाँ कौन है मेरे साथ? फर्स्ट नंबर भैया कवर जरा सही से देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को अब 4x मिल चुका है, बस कवर रखना तुम। तुम्हारा भाई रश कर रहे हो अपन से, रख रहे हो ना कवर, ठीक है चलो। तो चलो भाई फाइनली इसी के साथ इस लोंडे की भी तुम्हारा भाई पेटी बना देता है, और मेरे को नहीं पता ये कौन सा ग्लिच है। बंदा फिनिश होने के बाद ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे भैया उसको जिंदा कर दिया हो किसी ने। अब खैर यार जो भी हो, फटाफट इनकी पेटी लूटते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भैया पोचिंग के में अब कोई भी बंदे नहीं है और बंदे बहुत ही जल्दी जल्दी मर रहे हैं। तो अपने को भी बिल्कुल जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा यार। अब देखो इन बंदों की पेटी पुटी लूटने के बाद तुम्हारा भाई जा तो रहा था अपार्टमेंट में, लेकिन जैसे मेरे को बग्गी दिखती है तो तुम्हारा भाई गाड़ी में से उतरता है और यहाँ पे अकेले जाता है बग्गी में, क्योंकि मेरे को पता था अगर भैया तीनों के तीनों बंदे उसी गाड़ी में बैठे रहे तो ये रेड जोन पेटी बनवा डालेगा। और फोर्थ नंबर तो
सॉरी थर्ड नंबर तो है ही ऑफलाइन, तो अपने कोई कुछ करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा भाई फटाफट वहाँ से बग्गी में से उतरता है और सीधा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ स्कूल में दो दो गाड़ी दिखती है, और जैसे तुम्हारा भाई वहाँ पे घुसता है तो एक बंदा मेरे ऊपर रश भी करता है। देखो अरे बाप रे, अरे YouTube चैनल का नाम बता दो फिर। अब देखो भैया ये वाला क्लच इन बंदों को तो अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका इंतजार करता रहता है और आप लोग ऐसे बेचारे को अकेले छोड़ के चले जाते हो। एक कमेंट कर दिया करो यार सभी बंदे। अब देखो यहाँ पे इन बंदों की तो पेटी बना दी है, और अगर भैया क्लच अच्छा लगा हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल अपने हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा है ना। और इन बंदों की पेटी पता ही नहीं चला, इनको भी नहीं पता चला होगा, जब मेरे को ही पता नहीं चला कि मैंने कब बंदों को मार दिया तो इन बंदों के कद्दू पता रहेगा। निकलते यार इधर से। अब देखो स्कूल से निकलने के बाद तुम्हारा भाई सीधा जा रहा था यसनाया साइड में, क्योंकि भैया अपार्टमेंट साइड से मेरे को कोई दिखा नहीं, और यहाँ पे आने के बाद मेरी बग्गी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन यार एक्सीडेंट में तुम्हारा भाई बच जाता है और सामने की तरफ जाने लगता है रिकॉइल टावर को बंदों को चेक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे मेरे को ये गाड़ी दिखती है और सामने की तरफ ये भाई साहब दिख जाते हैं। तुम्हारा भाई इन बंदों को नॉक कर देता है और पूरा फिनिश भी कर देता है, तभी मेरे को ये मॉन्स्टर चच्चू भी दिखते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई इससे छेड़ करने वाला है नहीं तो भैया एक आदि ये मुक्का दे देगा तो मेरी बग्गी दूसरे रंगल के कोने में जाके फिकाएगी, पता नहीं वीकेंडी में ही चला जाऊँ मैं, इसलिए तुम्हारा भाई उसकी छेड़ नहीं करता, चुपचाप यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जिस बंदे की पेटी तुम्हारे भाई ने अभी बनाई है वो बंदा किसी ना किसी को तो मार रहा था और सेकेंड नंबर में मेरे साथ आ जाता है। और जैसे तुम्हारा भाई यहाँ पर आता है तो पीछे की तरफ से देखो गन साउंड आ गया है, मिनी मैप में देखो बस ऊपर की तरफ बंदा है, तो फटाफट रश करते हैं इसके ऊपर। आया ब्रो जोकर सेट फुल जोकर। और भाई सच बताऊं तो यहाँ पे मेरे को तो लग रहा था कि भैया मेरा किल चोरी हो जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ वो तो सेकंड नंबर का ध्यान नहीं था, वरना ये वाला किल मेरे को मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने एक तो इतनी मेहनत करी और किल नहीं मिलेगा यार तो बुरा तो लगेगा। अब सामने की तरफ मेरे टीममेट को एक पूरी की पूरी टीम दिख जाती है, वहीं से मैं आया हूँ जब मेरे को तो कोई नहीं दिखा, और यहाँ पर मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे मिले, नुकसान हो गया यार, वहाँ पर तीन किल चले गए, क्योंकि फर्स्ट नंबर को यार तीन तीन किल मिल चुके हैं, तो दुख तो होगा यार, जलन तो होती है देख देख के, ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब तुम्हारा भाई एक तो इतनी मेहनत कर रहा है पूरे जमाने भर में घूम रहा है फिर भी बंदे नहीं मिल रहे, और उसको तो ऐसे ही बंदे मिल गए, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, समझा करो। अब देखो फिर भी यहाँ पे एक बंदा बाकी था, तुम्हारा भाई फुल ट्राई करता है कि ये किल मेरे को मिल जाए, लेकिन कद्दू मिले किल वहाँ पे, वो फर्स्ट नंबर तो इतने खतरनाक तरीके से स्प्रे मार रहा है तो क्या कद्दू मिलेंगे, तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ इसको डैमेज ही दे पाता है और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है, वैसे दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब देखो जब स्कूल से हम लोग निकले थे तो भैया रिकॉइल टावर चेक करके गए थे, लेकिन जब तो बंदा नहीं था, लेकिन इस बार सामने की तरफ दो दो गाड़ी खड़ी है और एक बंदे के मेरे को फुटस्टेप भी आ जाते हैं, यहाँ पे बंदे हैं तो पकड़ते जरा। और भाई सच में यार यहाँ पे चार बंदे होते फिर भी यार सेकंड नंबर ने मेरा एक किल चुरा ही लिया,
क्या बताऊं भाई, दिल से बुरा लगता, मत किया करो यार। एक तो इतनी मुश्किल से कोई बंदे को स्पॉट करता, ऊपर से तुम किल चुरा लेते हो, तो उसी से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती। और भैया जो लास्ट वाला बंदा था वो तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से लेटा पड़ा था, और भाई तुमने HP देखी थी मेरी, क्या ही छोड़ी थी उस बंदे ने, भैया पूरी की पूरी वेस्ट बर्बाद कर दी यार। वो तो अच्छा कि मैं बच गया, वरना ये किल भी चोरी हो जाता। अब देखो ये वाली जगह से निकलने के बाद तुम्हारा भाई रोज़ो आता है बंदों को चेक करने के लिए, और यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तभी मेरे को सामने वाले कंपाउंड में एक बंदा स्पॉट हो जाता है। लगा ना तुमको भी ऐसा लगा ना कि ये किल चोरी हो जाएगा, मेरे को भी ऐसे ही लगा था भैया, इधर धक धक हो रहा था लेकिन चोरी नहीं हुआ किल, अच्छा हुआ। अब यहाँ पे देखो इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, और मेरे को पता था ये बंदा नॉक हुआ, इसका मतलब इसके टीममेट आसपास में तो होंगे, और काफ़ी देर भटकने के बाद इसका बंदा इसको बचाने तो नहीं आता, तो इसकी पेटी जो है अपने आप ही बन जाती है। और इसकी पेटी लूट के तुम्हारा भाई यहाँ से निकल ही रहा था तभी मेरे को एक बंदा दिखता है गिली सूट वाला। अब देखो ये बंदा मेरे को कैसे स्पॉट हुआ, सबसे पहले सामने की तरफ मेरे को एक ड्रॉप दिखा, और पहले मैंने स्कोप खोला तो पहले मेरे को लगा पत्थर है, लेकिन भैया जैसे ही मैंने दूसरी बार स्कोप खोला तो पेलने लगा तुम्हारा भाई, क्योंकि वहाँ पे एक गिली सूट वाला बंदा था और उस बंदे को मैंने डैमेज दिया। सीधा रश करता तुम्हारा भाई इस बंदे के ऊपर, और उस बंदे के पास रहती है AWM और ग्रोजा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा भाई इस बंदे को नॉक तो कर देता है, लेकिन सामने की तरफ जो फर्स्ट नंबर है वो बंदा भी किसी बंदे को मार रहा है, शायद से वाइजन वाला बंदा है वहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग इस बंदे के ऊपर रश कर रहे थे तो पीछे की तरफ से वाइजन भी चली थी, तो उधर भी चेक करते जाके। सबसे पहले इसकी पेटी तो बना दें। तो चलो बाइजन वाले की तो बन चुकी है पेटी, लेकिन ये चल क्या रहा है सीन, एक बंदा दिख रहा है तो दूसरा बंदा भी स्पॉट हो जा रहा है भैया लेफ्ट की तरफ से, यानी कि वो रेड हाउस से। भाई साहब ऊजी चल रही है तो जरा उधर भी चेक करके आते हैं, देख रहे हो क्या सीन चल रहा है, मतलब पहले तो बंदे दिखते नहीं और जब दिखते तो एक साथ दिखने लगते। ये लो भाई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे नॉक कर दिया तुम्हारे भाई ने इस बंदे को, तो फटाफट रश करते हैं अब। और भाई सीन चल क्या रहा है, देख रहे हो बंदे पे बंदे स्पोर्ट हो रहे हैं, कैसा लगा? Impressive. लो भैया रैंडम टीममेट को तो बिल्कुल पसंद आया ये वाला सीन, आप लोगों को कैसा लगा वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर पसंद आया हो। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया भैया तो कर दो यार, कितना ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो भैया, फ्री में लाइक का बटन दबता है, फ्री में सब्सक्राइब का बटन दबता है, कर दो यार, गरीब की मदद हो जाएगी थोड़ी सी। और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, लेकिन वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। अब देखो रोजोक से निकलने के बाद तुम्हारा भाई जाता है जोरजो वाले स्क्वाड हाउस पे चेक करने के लिए बंदों को, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं मिलता। उसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ से निकल ही रहा था तभी यहाँ पे मेरे को एक बग्गी दिखती है और तुम्हारा भाई हक देता है। भाई फ्री फोकट के दो किल चले गए, जो बंदा मेरे को मार रहा था उस बंदे को तो मैंने मारा नहीं, जो बंदा आगे की तरफ भाग रहा था उसको मैं मारने लगा, उसके चक्कर में मेरी पेटी बनते बनते बच गई। अब खैर यार जो भी हो इन बंदों को तो नॉक कर दिया है, लेकिन सामने की तरफ एक बंदे का और साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसके टीममेट आ चुके हैं, तो चलो एक आधी किल तो मिलेगा, उधर भी चलते हैं। ऊपर बंदा है, और भाई अब थोड़ी दिल को राहत मिली, कम से कम एक किल तो मिला। और अब बच चुके तीन बंदे, और जिनमें से कि एक बंदा तो जोन में मर जाता है और फिर बचता है एक ही बंदा, तो उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता हम लोग को। हमारा स्क्वाड ले लो इधर, हमने गाड़ी जा, हमने गाड़ी। तो
तो चलो भाई फाइनली इस लास्ट स्क्वाड के साथ में ये वाला गेम हो जाता है ईजी चिकन डिनर। तो गाइस आप लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी वो मेरे को भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर भाई ये गेम प्ले पसंद आया तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना। बार बार मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि भैया वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेज रहा है, तो जिसने भी ऑल पे सेलेक्ट करके नहीं रखा है बेल आइकन को तो कर लो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बस कल मिलेंगे, जाओ और क्या।